हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रोडक्ट आए हैं तो उसकी अनबॉक्सिंग करना चाहता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ क्या है। और ये जितने भी प्रोडक्ट है मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, और इसका जो प्राइस है वो मैंने अपने फर्स्ट पेमेंट से बढ़ा, जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है यूट्यूब की तरफ से। तो 75-80% मैंने सारा पेमेंट इस पर लगा दिया, बाकी 20% इधर उधर खर्च हुआ है। 3 प्रोडक्ट मंगाया था मैंने, बट 2 ही आया है। और बता दूँ क्या क्या, अनबॉक्स करते करते बता दूँ क्या नहीं आया और क्या आ गया। चलिए अब अनबॉक्स करते हैं। ये और 3 प्रोडक्ट आने वाला था बट 2 ही आया है, कॉज एक आया है नहीं। अब दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले छोटे वाले को खोलते हैं। जैसा आप लोग दिख रहा होगा खुला हुआ है पहले से, कॉज जैसे आया है वैसे चेक करना पड़ता है कि प्रोडक्ट कैसा है, तो इसलिए चेक कर लिए थे। तो इसे हटाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये मेरा GoPro का केस यूलांजी V2 का है, इसे साइड रखते हैं और इस पर दिखाते हैं। इस पर जो मेन चीज़ है जो ऑडियो क्वालिटी मेरी सही कर देगा वो है, हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम होता है और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और ये चीज़ जो है लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ये चीज़ लेने के लिए। जैसा आप लोग देख सकते हो GoPro माइक अडेप्टर, ये है GoPro माइक अडेप्टर। इसके बिना GoPro में माइक नहीं लगेगा, ये GoPro का मेरे को ख़राब लगा, कॉज समझ जाओ एप्पल वाला हिसाब है, सब कुछ एप्पल के रहने चाहिए। और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेरे माइक पे लगेगा, GoPro का माइक अडेप्टर है ये। और जो ये यूलांजी केस जो मैंने मंगाया है, जैसा आप देख सकते हो ये केस है और इसके नीचे में जो स्पेस है यहाँ माइक अडेप्टर लगेगा। और थर्ड प्रोडक्ट जो मैंने मंगाना चाह रहा था वो था माइक, तो माइक मेरे को टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो लास्ट में मेरे को कैंसिल करना पड़ा उसे। तो चलिए इसे ओपन करके दिखाते हैं और कितना प्राइस पड़ गया सबका बताते हैं। तो इस केस का मेरे को पड़ा 1000 रुपीज़, जैसा आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ का ये केस है। यहाँ पे एडिशनल माइक मैं लगा सकता हूँ इन केस अगर मैं व्लॉगिंग करता हूँ GoPro से, और नहीं भी तो यहाँ पे माइक लगता ही है। और यहाँ पे आपका माइक अडेप्टर चला जाएगा और इसके अंदर GoPro चला जाएगा मेरा जो Hero 7 है। और माइक का अडेप्टर अब खोलते हैं, लाइट की थोड़ी दिक्कत, खास अंधेरा हो रहा होगा बहुत। जैसा आप देख सकते हो ये छोटे से सामान का मेरे को लग गया है 4000 रुपीज़। इसके बिना माइक लगाना मुश्किल है GoPro पे, हालांकि आप लोग GoPro अगर यूज़ करते हो तो पता होगा आप लोगों को बहुत दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है इसे, कॉज बहुत महंगा आता है ये 4000, समझ सकते हो एक बार में इन्वेस्ट करना। हालांकि मेरी अब जितनी ऑडियो क्वालिटी रहेगी वो सही रहेगी आज के बाद से, कॉज मैं माइक लगा के अब शूट करूँगा अच्छे से और ऑडियो क्वालिटी अच्छी करूँगा। और बस कमेंट पे बता देना मेरे को कि इसके साथ कौन सा मैं माइक लूँ जो मेरे हेलमेट में आराम से चला जाए, जिसका लेंथ भी बड़ा नहीं है। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो ज़रूर शेयर करना, बाकी मैं भी चेक करता रहूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता दें आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कितना मेरा पेमेंट आया है, नहीं आया तो चलो कैलकुलेट करो बैठ के। Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेकर आए हैं BS6 रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, जैसा आप देख सकते हो क्रोम एडिशन है ये वाला, क्रोम कलर में प्रेजेंट है और इसका जो लोगो है आपको गोल्ड में प्रेजेंट है ब्लैक के बैकग्राउंड पे, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है ये वाला रॉयल इनफील्ड जैसा आप देख सकते हो। तो इसके एक रिव्यू देते हैं आपको, तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हो लाइट येलो कलर पर मिलेंगे, जैसा आप देख सकते हो की घुमाने पर चल जाते हैं, और राइट लेफ्ट इंडिकेटर आप देख सकते हो राउंड पर प्रेजेंट है, और इन पे क्रोम का वर्क किया हुआ पीछे में, एंड यहाँ पे ऊपर में एक शेड टाइप भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो गाइस लाइट चला गया, थोड़ा सा इशू होगा लाइट का बट बता देते हैं। तो फ्रंट पे आपको जो है वो टेलीस्कोपिक फोक्स प्रेजेंट है, और ये क्रोम पे पूरा प्रेजेंट है जैसा आप देख सकते हो, ब्लैक एंड गोल्ड पे इसका रेडियम यहाँ पे, और डुअल चैनल EBS इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पे आप रिफ्लेक्टर देख सकते हो इस साइड एंड इस साइड पे, और फ्रंट का डिस्क आप देख सकते हैं ये ABS रिम हो गया। फ्रंट का टायर जो है वो आपका 90x90 का 19 इंच का स्पोक व्हील इसमें प्रेजेंट किया गया। अब ऊपर आते हैं बॉडी पे, पहले हैंडल्स की बात करते थे, ये पास लाइट हो गया, ये हाई विंग लो विंग के लिए, राइट लेफ्ट इंडिकेटर हॉर्न के लिए, और मीटर देख सकते हो आप यहाँ पर न्यूट्रल का लाइट जल जाएगा, ये राइट लेफ्ट इंडिकेटर हाई विंग का लाइट जलेगा यहाँ पर।
और ये फ्यूल इंडिकेट करेगा इंजन लाइट, एंड ये ABS इंडिकेट करेगा ABS का लाइट, ये किल स्विच और ये इग्निशन का हो गया। टैंक की बात करते हैं, 13.5 लीटर्स का टैंक है और ये आप रेडियम देख सकते हो गोल्ड पे प्रेजेंट किए गए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ 5 गियर आपको मिल जाते हैं और इंजन आप देख सकते हो यहाँ पे आरी का एक बैजिंग मिल जाएगा आपको। और इंजन के बारे में बताते हैं आपको, ये सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल FI पे प्रेजेंट है इसका इंजन और 346 cc का इंजन डिस्प्लेसमेंट है। 20.0 PS का पावर एंड 28 Nm का टॉर्क आपको मिलेगा इंजन पे। और FI पे प्रेजेंट किया गया, BS6 कंप्लाइंट है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर आपको दिख रहा होगा वहाँ से, इसके साइलेंसर पे कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। तो बिस साइड आते हैं, यहाँ पे आप कैटालिटिक कन्वर्टर देख सकते हो, अच्छे से दिख रहा होगा। और इस पे किक भी प्रेजेंट है, तो अभी स्टार्ट करके सुनाते हैं इसका साउंड। आप इसे साउंड सुन सकते हो, साइलेंसर का साउंड काफी सॉफ्ट आ रहा है अभी। तो इसका साउंड आप लोगों ने सुन लिया, और साइलेंसर का जो कवर है वो यहाँ तक प्रेजेंट है जैसा आप लोग देख सकते हो। और बैक का टायर भी स्पोक पे है, और बैक में भी आपको ABS मिल जाएगा, तो डुअल चैनल ABS इसे प्रेजेंट है। स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लासिक 350 लिखा हुआ है। और बैक का डायमेंशन जो है वो 110x90 का है, और 18 इंच का स्पोक व्हील है बैक में आपको। पीछे आते तो आप लाइट देख सकते हो, ये बैक लाइट हो गया, ये इंडिकेटर। और ऊपर आते हैं, यहाँ पे भी एक रॉयल एनफील्ड का स्टिकर आप देख सकते हो, मतलब प्रिंट किया हुआ है। सीट की बात करते हैं तो सीट सॉफ्ट है, और पीछे पकड़ने का ग्रैब रेल आप देख सकते हो यहाँ पे। आफ्टर ऑल काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इस वाले बुलेट का, इस वाले क्रोम एडिशन का, जैसा आप देख सकते हो। तो गाइज इस पे स्टैंड गट स्विच भी दिया हुआ है, अभी उसको दिखाते हैं ऑन करके। तो अभी क्लच दबा के ऑन करते हैं। जैसा आप देख सकते हो पीछे का व्हील मूव कर रहा है, और आपकी जो बाइक है वो ऑन हो गई है। अभी स्टैंड ऊपर है, स्टैंड नीचे करते हैं अब। जैसा आप देख रहे हो इंजन कट ऑफ हो गया, तो ये एक अच्छा फीचर दिया है इसमें, इसका स्टैंड डाउन नहीं रहेगा, आराम से आप लोग को प्रिवेंट कर देगा एक्सीडेंट से। होता क्या, बहुत कुछ स्टैंड नीचे करके ही निकल जाते हैं, बट ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इस पर। इस वाले बॉक्स की बात करते थे, यहाँ पे खोल सकते हो आप, तो दोनों तरफ ये बॉक्स प्रेजेंट है, एक में आपका एयर फिल्टर रहेगा और एक में आपका रॉयल एनफील्ड तरफ से टूल किट एंड ऑल रहेगा। पीछे में देख सकते हो आप साड़ी गार्ड, ये पूरा व्हील कवर कर देता है आपका, 50% पूरा व्हील ऊपर से कवर हो जाता है साड़ी गार्ड के हेल्प से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है कोई भी लेडी अगर बैठती है पीछे तो। और यहाँ फुट पैक आप देख सकते हो, साड़ी गार्ड का जॉइंटेड है साड़ी गार्ड के साथ। तो होप सो गाइस वीडियो पसंद आया होगा इस वाली बुलेट पे, इस वाले क्रोम एडिशन पे। चलिए वीडियो एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कैसा लगा, एंड चलिए एंड करते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।